ईद उल फितर के मौके पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज के लिए भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए नूह में खुद एसपी और जिला उपायुक्त पूरे लाव लश्कर के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की पालना को लेकर डीसी धीरेंद्र खड़गटा व एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया जिले के ड्यूटी मजिस्ट्रेट को साथ लेकर पिनगवा, पुनहाना, बड़कली चौक सहित तमाम ईदगाहों और मस्जिदों का मुआयना किया। इस मौके पर जिला उपायुक्त ने लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि कोरोना के कहर को ध्यान में रखते हुए बुजुर्ग और बच्चे घरों से बाहर न निकलें और युवा भी घरों में ही नमाज अता करें। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण लगातार लोगों की जान ले रहा है, ऐसे में ईद के मौके पर कोई भी नमाज व मिलन समारोह आयोजित करके भीड़ इकट्ठी न करें और खुशी खुशी अपने घरों में ही ईद का पर्व मनाएं। थैंक यू सर। देखिए, हम पूरे जिले के दौरे पर निकले मैं और एसपी साहब, ताकि जो ईद के मौके पे एक तो सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, साथ ही साथ ईद के मौके पे मैं चाहूँगा कि आप लोग घरों में नमाज अदा करें, साथ ही साथ बच्चे जो और बुजुर्ग घर पे ही रहें, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनसे ज़्यादा इफेक्ट कम है। मैं नौजवानों से भी अपील करना चाहूँगा कि अपना जितना ज़्यादा हो वो घर पे ही रहें, क्योंकि हमने ये देखा है कि आज ज़्यादातर लोग जो है जवान मर रहे हैं, और जो भी हम चाहेंगे कि यहाँ पर जितना भी लोग कैदिंग ना हो, यही इंश्योर करने के लिए सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ और अभी सब निकले, ताकि जो भीड़ भाड़ या कोई स्ट्रेस का कोई मौके पर ना हो। कुल मिलाकर सड़कों पर उतरे डीसी और एसपी ईद के पर्व पर मुस्लिम समाज के लोगों के सहयोग से संतुष्ट दिखाई दिए, क्योंकि ईद पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं था। हालांकि ईद पर प्रशासन के आला अधिकारियों और उलेमाओं ने भीड़ इकट्ठी नहीं करने की बार बार अपील की थी, और उस अपील का आज खास तौर पर नूह जिले में पूरा असर देखने को मिला, जिसको लेकर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। नूह से एके बघेल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।